ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डिजाइनर कैंडल्स के बाद अब बारी है डिजाइनर दिए की, क्योंकि डिजाइनर दिए के बाजार में कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप वाकई यकीन जानिए घर बैठे इन दियों को बनाना बहुत आसान है और बहुत किफायती है। क्यों लक्ष्मी मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल कविता, तरीका क्या है इन्हें पेंट करने का? देखो, सबसे पहले हमें कुछ सामान चाहिए होगा, जैसे दिए जो कि हमें बनाने हैं, फैंसी दिया, कुछ कलर जैसे एक्रेलिक कलर्स हो गए, अगर एंटीक टच पे हमें बनाना है तो ब्लैक ब्राउन कलर्स हमें चाहिए, पर्ल कलर्स हो गए, ये ट्रॉली का कलर्स होते हैं जो आउटलाइनर्स होते हैं वो हो गया, गोल्डन पाउडर वगैरह ये सब चीज़ें हमें चाहिए, ग्लिटर चाहिए। देखो मैं आपको एक बड़ा दिया पेंट करना सिखाती हूँ, इसको मैं एंटीक टच पे आपको बता रही हूँ क्योंकि आजकल एंटीक टच का बहुत ट्रेंड है, उसका पूरी तरह से ब्लैक कलर से पेंट कर दीजिए, ब्लैक या फिर ब्राउन भी आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ब्लैक या ब्राउन कोई भी कलर आप ले लीजिए, एक्रेलिक कलर्स है, पोस्टर कलर्स, वाटर कलर, ग्लास कलर्स, कोई भी कलर्स आप लीजिए, सारे कलर्स इनके ऊपर जाते हैं। यानी कि आम दिए को घर में लाकर खास बनाया जा सकता है। बिल्कुल, अभी तक आप सोचते होंगे कि ये डिजाइनर दिया मुझे नहीं आता, ये आप खरीदते ही होंगे, लेकिन अब आप खुद बनाइएगा और अपने घर में इस दिवाली यही टाइप के आप दिए जो है वो सजाइएगा। अभी हल्का सा जैसे कि गीला है तो हम गीले पर ही उस पर गोल्डन पेंट लगाएंगे, देखिए जैसे अपनी गोल्डन और हाथ से इसे लगा, हाथ से लगाएं गोल्डन कलर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डिजाइनर कैंडल्स के बाद अब बारी है डिजाइनर दिए की, क्योंकि डिजाइनर दिए के बाजार में कीमत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आप वाकई यकीन जानिए घर बैठे इन दियों को बनाना बहुत आसान है और बहुत किफायती है। क्यों लक्ष्मी मैंने ठीक कहा ना? बिल्कुल कविता, तरीका क्या है इन्हें पेंट करने का? देखो, सबसे पहले हमें कुछ सामान चाहिए होगा, जैसे दिए जो कि हमें बनाने हैं, फैंसी दिया, कुछ कलर जैसे एक्रेलिक कलर्स हो गए, अगर एंटीक टच पे हमें बनाना है तो ब्लैक ब्राउन कलर्स हमें चाहिए, पर्ल कलर्स हो गए, ये ट्रॉली का कलर्स होते हैं जो आउटलाइनर्स होते हैं वो हो गया, गोल्डन पाउडर वगैरह ये सब चीज़ें हमें चाहिए, ग्लिटर चाहिए। देखो मैं आपको एक बड़ा दिया पेंट करना सिखाती हूँ, इसको मैं एंटीक टच पे आपको बता रही हूँ क्योंकि आजकल एंटीक टच का बहुत ट्रेंड है, उसका पूरी तरह से ब्लैक कलर से पेंट कर दीजिए, ब्लैक या फिर ब्राउन भी आप यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ब्लैक या ब्राउन कोई भी कलर आप ले लीजिए, एक्रेलिक कलर्स है, पोस्टर कलर्स, वाटर कलर, ग्लास कलर्स, कोई भी कलर्स आप लीजिए, सारे कलर्स इनके ऊपर जाते हैं। यानी कि आम दिए को घर में लाकर खास बनाया जा सकता है। बिल्कुल, अभी तक आप सोचते होंगे कि ये डिजाइनर दिया मुझे नहीं आता, ये आप खरीदते ही होंगे, लेकिन अब आप खुद बनाइएगा और अपने घर में इस दिवाली यही टाइप के आप दिए जो है वो सजाइएगा। अभी हल्का सा जैसे कि गीला है तो हम गीले पर ही उस पर गोल्डन पेंट लगाएंगे, देखिए जैसे अपनी गोल्डन और हाथ से इसे लगा, हाथ से लगाएं गोल्डन कलर लेके हल्का सा ऐसे फिंगर से रब कर लीजिए। ये मल्टी कलर में आते हैं, आप कंट्रास्ट के हिसाब से और हर कलर में ये अवेलेबल होते हैं। और ज्यादा निखर गई है, देखो आप चाहो तो बिना पेंट किए हुए भी इसके ऊपर सिर्फ ट्रॉलिका से आप डिजाइनिंग कर सकते हो। बहुत खूबसूरत।